अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑप्शन कस्टमर्स की। तो बेसिकली कस्टमर्स को ऑप्शन इसलिए होता है कि वहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं ताकि उनको ट्रैक कर पाएं और देख पाएं कि उन्होंने कितने परचेजेस किए हैं, किस मंथ के अंदर उन्होंने कितनी परचेज किए आपके स्पेसिफिक स्टोर के अंदर। चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कस्टमर्स के ऑप्शन के ऊपर। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस है, आप यहाँ पे कस्टमर्स जो है वो ऐड भी कर सकते हैं मैन्युअली और इंपोर्ट कस्टमर्स भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सीएसवी फाइल है या एक्सेल फाइल है। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे ऐड कस्टमर करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट नेम, ईमेल एड्रेस और ये सारी चीज़ें उसके अबाउट लिख देंगे। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट डाटा होगा अपने कस्टमर्स का, जिनको हम बाद में मार्केटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप तमाम डाटा जो है अपने कस्टमर्स का उस स्पेसिफिक स्टोर के रेलिवेंट स्टोर कर सकते हैं ताकि आप टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हैं और आपके पास एक लिस्ट हो आपके कस्टमर्स की कि अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट उस स्टोर के अंदर आया तो आप उनको डायरेक्टली मार्केट कर सकें बजाय इसके कि दोबारा से नए कस्टमर्स आप ढूंढना स्टार्ट करें। तो आई होप आपको समझ आई होगी कस्टमर्स के ऑप्शन क्या है और किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।